दोस्तों ये खूबसूरत फूल है मॉर्निंग ग्लोरी के। गार्डनिंग करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि गार्डनिंग करने से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे कि हमारा शरीर फिट रहता है। इसके अलावा हमारे गार्डन में जब नए नए फूल खिलते हैं तो इससे हमारे दिमाग में जो भी तनाव होता है, जो भी चिड़चिड़ापन होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको गार्डनिंग जरूर करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर या फिर आपको डिप्रेशन है तो आपका डिप्रेशन भी काफ़ी हद तक गार्डनिंग करने से कम हो सकता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे आप कैसे गमले में आसानी से मॉर्निंग ग्लोरी के खूबसूरत फूल देने वाले पौधों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी अपडेट के साथ आपको दिखाने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी होती है उसको जरूर दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएं। मॉर्निंग ग्लोरी के पौधों को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपको गमला कितना बड़ा चाहिए। मॉर्निंग ग्लोरी के पौधों को ग्रो करने के लिए आपको कम से कम 10 इंच गहरा गमला चाहिए। हमने यहाँ पर एक गमला लिया हुआ है जिसके बॉटम में हमने 2 ड्रेनेज होल बना लिए हैं। अब हम इन होल को किसी भी कंकड़ पत्थर से ढक लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकलता रहे, लेकिन जो सॉइल मीडिया है वो उनके होल के द्वारा बाहर ना बह जाए। अब हम चलिए बात करेंगे मॉर्निंग ग्लोरी को ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। मॉर्निंग ग्लोरी के पौधों को गमले में ग्रो करने के लिए आपको जो सॉइल तैयार करनी है वो कुछ इस तरीके से तैयार करनी है। हमने ली है 10% अपने गमलों की गार्डन की मिट्टी। इसके अलावा हमने 30% बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। बाकी का हमने 60% कोकोपीट लिया हुआ है। तीनों को हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये सॉइल मीडिया तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इस सॉइल मीडिया को गमले में भर लेते हैं। इस गमले में हमने सॉइल मीडिया को तैयार करने के बाद में भर दिया है और ये पैकेट है मॉर्निंग ग्लोरी का। चलिए बीज को निकाल लेते हैं। बीज निकालने के बाद में जो बीज आपको लगाने हैं सॉइल मीडिया के अंदर, वो 1 से 1.5 इंच गहरे लगाने हैं। आपको कम गहरे भी नहीं लगाने हैं, ना ही ज़्यादा गहरे लगाने हैं। अगर आप कम गहरे लगाएंगे तो पानी देते समय बीज अपनी जगह से हट जाएंगे, और अगर आप बीज ज़्यादा गहरे लगाएंगे तो आपके बीज अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर 8 से 10 बीज इस गमले में लगा रहे हैं, बाकी बीज हम दूसरे गमले में लगाएंगे। बीज को लगाने के बाद में हम अच्छे से पानी देंगे, और पानी देने के बाद में इस गमले को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर अच्छे से इस गमले पर पूरा दिन की धूप पड़ती हो। मॉर्निंग ग्लोरी को ग्रो करने के लिए अच्छी धूप भी मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस गमले में मॉर्निंग ग्लोरी के बीज को लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जितने भी हमने मॉर्निंग ग्लोरी के बीज इस गमले में लगाए थे, मेरे हिसाब से सभी बीज अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के उस पैकेट में से जो बाकी बीज बचे थे हमने इस गमले में लगा दिए थे। इस गमले में भी सभी बीज की ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इन पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे होते हैं ये बेल वाले पौधे होते हैं। इनको ऊपर चढ़ाया जाता है या फिर ऊपर से नीचे लटकाया जाता है। चलिए हम इन पौधों को ऊपर चढ़ाने के लिए बांस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बांस का स्टैंड बनाएंगे, बांस का टावर बनाएंगे। मॉर्निंग ग्लोरी का फूलों का टावर बनाने के लिए यहाँ पर हमने पतले पतले 3 बांस ले रखे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लोहे के तार लिए हैं, जिनको हमने गोल इस तरीके से बांध लिया है। चलिए अब हम मॉर्निंग ग्लोरी का टावर बनाने के लिए इन बांस को इस गमले में गाड़ लेते हैं।